ग्वालियर में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत प्रशासन ने चुनावी राहगीरी की। चुनाव का रंग मतदाताओं के संग नाम से अभिनव कार्यक्रम कर मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक किया है। चुनावी राहगीरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ग्वालियर जिलाधीश रुचिका चौहान। यह कार्यक्रम जिला प्रशासन तथा नगर निगम के द्वारा आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न संस्थाओं, विद्यालयों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करना था। इस अवसर पर ग्वालियर जिला कलेक्टर रुचिका चौहान ने कहा कि हमारा प्रयास है आगामी 7 मई को होने जा रहे लोकसभा चुनाव में मतदाता अपने मतदान का 100% प्रयोग करें और ग्वालियर जिला मतदान में प्रथम स्थान प्राप्त करें। एक स्ट्रीट प्रोग्राम है, उसको नाम दिया है हमने चुनावी राहगीरी। ये एक प्रयास है शहर की सभी मतदाताओं को जोड़ने का। आज यहाँ पे परिवार के हर एज ग्रुप के लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट किए हैं और उद्देश्य केवल इतना ही है कि 7 मई जो आने वाली है उसमें ग्वालियर जिला 100% मतदान करें, अपने सभी कामों को छोड़कर सुबह कुछ समय मतदान के लिए अवश्य निकालें। और एक ऐसी जिम्मेदारी है जो हर सिटीजन को निभानी चाहिए। कार्यक्रम का संचालन कर रहे अशोक आनंद ने कहा कि कार्यक्रम में लगभग 3000 बालक बालिकाओं ने भाग लिया। कुछ समय संस्थाओं ने अपने गीत एवं नृत्य के माध्यम से मत का उपयोग अवश्य करें यह संदेश भी दिया। वहीं कार्यक्रम में भाग लेने आई एक छात्रा ने बताया कि हमारे स्कूल के गीत द्वारा मतदाताओं को संदेश दिया गया है कि सभी मतदाता अपने परिवार सहित मतदान में हिस्सा जरूर लें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। ये बहुत ही सार्थक रचनात्मक कार्यक्रम था। जिला प्रशासन नगर पालिक निगम के सहयोग से ये कार्यक्रम यहाँ पर जीवंत हुआ है। इसका एक बहुत ही विनम्र प्रयास ये था कि जो लोकतंत्र का महानुष्ठान है मतदान, जो 7 मई को होने वाला है मतदान 2024, उसमें सभी लोग अपने दायित्व को सुनिश्चित करें, अपनी साझेदारी, अपनी सहभागिता को जीवंत करें। और इस में लगभग 3,500 कलाकारों ने, युवा कलाकार, स्थापित कलाकार और बाल कलाकारों ने सहभागिता की। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।